गाइज, आपने फेमस स्पोर्ट्स वियर कंपनी नाइकी के लोगो को तो जरूर देखा होगा, लेकिन क्या आप लोग भी उन लोगों में शुमार हैं जो कि ये मानते हैं कि नाइकी का लोगो एक टिक मार्क है? नहीं, ये टिक मार्क नहीं है। मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि नाइकी कंपनी का पहले नाम BRS यानी कि ब्लू रिबन स्पोर्ट्स था, लेकिन बाद में इसका नाम बदलकर ग्रीक गोडेस ऑफ विक्ट्री के नाम पर नाइकी रख दिया गया था। और ये गोडेस एक्चुअली अपनी स्पीड और अपने विंग्स के लिए फेमस थी, और स्पीड और विंग्स को कंबाइन तौर पर स्वूश से दिखाया जाता है। तो ये सिंबल कोई टिक मार्क नहीं बल्कि स्वूश है। आयुष्मान खुराना कुछ ऐसे चुनिंदा एक्टर्स में से एक है जिन्होंने अपने दम पर बॉलीवुड में अपना एक मुकाम हासिल किया है, और अंधाधुन में की गई उनकी एक्टिंग उनके करियर की बेस्ट परफॉर्मेंस मानी जा सकती है, जिसमें उन्होंने एक अंधे लड़के का किरदार निभाया है और इसे लोगों ने खूब सराहा भी था। पर ये ऐसे ही पॉसिबल नहीं हो पाया। अंधे लड़के का किरदार प्रॉमिसिंगली निभाने के लिए उन्होंने कई दिनों तक कुछ ऐसे लेंसेज अपनी आंखों में पहने थे जिनसे उनका विजन वाकई में 80% तक कम हो गया था। इतनी सीरियसली अपने किरदार को निभाने के लिए उन्होंने मेहनत की थी, और इसी वजह से लोगों ने इस किरदार को इतना पसंद किया था। बाय द वे, मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि अंधाधुन में आयुष्मान से पहले वरुण धवन को इस रोल के लिए अप्रोच किया गया था। क्या आपको यह लगता है कि वरुण धवन आयुष्मान की जगह इस रोल को इतना ही शिद्दत से निभा पाते? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। कई लोग अपने खाने को गर्म करने के लिए माइक्रोवेव को यूज करने से डरते हैं, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं से सुना होता है कि माइक्रोवेव आपके खाने के हेल्दी एलिमेंट्स और न्यूट्रिशंस को खत्म कर देता है। लेकिन यह बिल्कुल गलत है, यह एक मिथ से ज्यादा और कुछ भी नहीं है। तो फिर फैक्ट क्या है? फैक्ट यह है कि माइक्रोवेव से निकलने वाला रेडिएशन किसी भी तरह के एटम और मॉलिक्यूल को डिस्ट्रॉय कर ही नहीं सकता, उसे ब्रेक कर ही नहीं सकता, जिससे हेल्दी न्यूट्रिशंस बनते हैं। तो आपका माइक्रोवेव सेफ है। हाँ, ये जरूर है कि खाने को कभी ठंडा नहीं खाना चाहिए, उसे गर्म करके ही खाना चाहिए। ये मिथ नहीं है बल्कि सच्चाई है। गाइस, इन दिनों हमारे अर्थ पर एलियंस की स्टोरीज बढ़ते जा रही हैं। लोग एलियंस स्पेशली UFO को देखे जाने का दावा तक कर रहे हैं, और तो और नासा जैसी स्पेस एजेंसीज हमारे प्लेनेट को एलियन से बचाने के लिए ऑफिसर्स की भर्ती कर रही हैं। जी हाँ गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं। नासा की इस ऑफिशियल पोजीशन का नाम है प्लेनेटरी प्रोटेक्शन ऑफिसर्स, जिसके लिए नासा सालाना $1,87,000 यानी कि लगभग 1.5 करोड़ रुपए तक पे करेगी। गाइस, क्या आपका रिज्यूम तैयार है? लेकिन थांबा, इसके लिए आपको एडवांस प्लेनेटरी प्रोटेक्शन की नॉलेज होनी चाहिए। आप जाना चाहेंगे, अगर आप किसी मुसीबत में फंस जाएं या फिर आपको कोई किडनैप करने की कोशिश करे, इन दैट केस आपके मोबाइल की एक सेटिंग आपकी जान बचा सकती है। क्या है वो सेटिंग और वो कैसे काम करती है, मैं आपको बताता हूँ। वो सेटिंग का नाम है SOS यानी कि सेव अवर शिप। इसके लिए आपको मोबाइल की सेटिंग्स में जाना है और वहां पर जाके SOS को सर्च करना है, और उसके बाद SOS के टोगल को ऑन करना है, और उसके बाद अगर आप चाहें तो वहां पर कॉन्टेक्ट्स के ऑप्शन में जाके आपके रिलेटिव के कॉन्टेक्ट नंबर भी आप ऐड कर सकते हो, जिनसे आप हेल्प की उम्मीद रखते हो। अब होगा कुछ यूं कि अगर आप मुसीबत में फंसते हो तो आपको आपके मोबाइल के पावर बटन को 3 बार दबाना है। इससे क्या होगा? इससे इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर 112 और आपके रिलेटिव के नंबर पर, जो नंबर आपने सेव किए थे, वहां पर एक हेल्प मैसेज पहुंचेगा, और साथ ही साथ आपकी लोकेशन भी उनके पास पहुंच जाएगी, जिससे आपको मदद मिल सकती है और आपकी जान बचाई जा सकती है। गाइस, आपको ये टेक्निकल इंफॉर्मेशन कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।